नमस्कार दोस्तों, भारतीय राजनीति के धाकड़ नेता, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और धरती पुत्र के नाम से मशहूर नेताजी मुलायम सिंह यादव का आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 82 वर्ष की उम्र में सुबह 8:15 पर निधन हो गया है। वो 2 अक्टूबर से वेंटिलेटर पर, लेकिन आज उनका निधन हो गया है। नेताजी के पिता उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, पर उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। हम आपको आज उनके पहलवानी से राजनीतिक अखाड़े तक के सफर के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूपी के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के मुखिया और समाजवादी पार्टी के संरक्षक एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। भारत सरकार में वे रक्षा मंत्री का पद भार भी संभाल चुके हैं। 3 बार यूपी के सीएम रहे मुलायम सिंह यादव के निधन से पूरी यूपी ही नहीं, देश के राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर दौड़ गई है। करीब 6 दशक की सक्रिय राजनीतिक पारी खेल चुके मुलायम सिंह यादव के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन यूपी की सियासत में उनका रुतबा हमेशा बरकरार रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान सपा परिवार में कलह की खबरें भी सामने आई, पर इस सब के बावजूद भी वो मजबूती से डटे रहे। 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सेफई में जन्मे मुलायम सिंह यादव को उनके पिता सुघर सिंह पहलवान बनाना चाहते थे। इसके लिए मुलायम सिंह को अखाड़े में उतार दिया गया, लेकिन उनकी किस्मत में तो किसी और ही अखाड़ों में अपना दमखम दिखाना चाहती थी। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले मुलायम सिंह के पिता का नाम सुगर सिंह और माता का नाम मूर्ति देवी है। वह अपने 5 भाई बहनों में रतन सिंह यादव से छोटे, वह अभय राम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल सिंह यादव और कमला देवी से बड़े हैं। मुलायम सिंह की पहली शादी मालती देवी से हुई थी, जिनका मई 2003 में देहांत हो गया था। अखिलेश यादव मालती देवी के ही बेटे हैं। बाद में मुलायम सिंह यादव ने साधना यादव से दूसरी शादी की। प्रतीक यादव उनके दूसरे बेटे हैं। मुलायम सिंह यादव पहली बार साल 1967 में अपने गृह जनपद इटावा की जसवंत नगर सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। उस वक्त उनकी उम्र दोस्तों सिर्फ 28 साल थी। इसके बाद वो लगातार साल 1974, 1975, 1985, 1990, 1991, 1993 और 1996 में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते रहे। इस दौरान साल 1977 में वे पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बने। इमरजेंसी के दौरान जेल आने वाले मुलायम के जीवन का अहम पड़ाव साल 1989 में सामने आया, जब उन्होंने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली थी। मुलायम सिंह यादव 1985 से 87 तक जनता दल के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 1980 में लोक दल के अध्यक्ष पद की कुर्सी भी संभाली। मुलायम सिंह यादव ने साल 1992 में समाजवादी पार्टी की नींव रखी और अगले ही साल यानी 1993 में दूसरी बार यूपी के सीएम बने। इसके बाद यूपी की राजनीति में मुलायम सिंह का कद हर दिन के साथ बढ़ता गया। साल 2003 में मुलायम सिंह यादव ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद संभाला। इस बार उनका कार्यकाल सबसे अधिक 3 साल 257 दिन का रहा था। तो बहुत ही बड़ी खबर, लेकिन आज उनका निधन हो गया है। ये पूरी बातें हैं और दोस्तों इनका पूरा सफर आपको बता दिया है, किस प्रकार इन्होंने दोस्तों राजनीति में दोस्तों अपना पैर पसारा और अपना दोस्तों रुतबा जमाया है, लेकिन आज ये दुनिया से चले गए हैं, जिसके बाद पूरे देश में शोक छाया हुआ है। तो बहुत ही बड़ी खबर। कॉमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब।